बाबे कर कुछ नहीं सकते, मैं क्या बाबे कर कुछ नहीं सकते थे, तख्त बिल्किस तेरा प्यो लै गया। तुसी कहंदे हो बांदर की जाने अदरक दा सवाद, खोता की जाने गुलकंद की हुंदी, मिर्ज़ा जेलमी नूं की पता दाता की अजमेरी कौन है, मौसफा कौन है, बाबा खादिम कौन है। पढ़ना की चाहिए जी, मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह सोने ने फरमाया ए आदम बात तो सी, बाकी पूरी जन्नत दी जिथे तुहाडा दिल करदा जाओ है, एक दरख्त दे कोल नहीं जाना। ठीक है, नबी है नहीं जाने, इबलीस उदू रहंदा सी जन्नत दी जब आना जाना सी, इन क्या हुजूर है ए दरख्त दे कोल जे चले जाओ ते बड़ी चंगी गल है। सूरह अराफ पढ़ो, इतने लोग जनाब आदम अलैहि सलाम नूं कहन जी आपने जाके गुनाह किया, आपने खता खता नहीं होती नदियां तो जलिया। आला हज़रत ने बड़ा सोहना तर्जमा किया, आला हज़रत ने तर्जमे का किया फरमाया बस जो रब ने जो मतलब चाहा था आदम अलैहि सलाम उस मतलब को पूरा कर सके, बाकी सारे ने क्या असा आदम, आदम अलैहि सलाम ने नाफरमानी की गुनाह किया, नबी नाफरमान नहीं होता, हो सकता ही नहीं, भी बचाओ ना खाली नंगर खा के नहीं जाना, नबी नाफरमान हो सकता ही नहीं, नबी को गुनाह हो सकता ही नहीं, नबी मासूम होते उनसे गुनाह हो सकता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया तो कहने लगे वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिरीन, उन्हें क्या अल्लाह की कसम है भाई, अल्लाह अल्लाह की कसम से क्यों ने कहा तुसी चले जाओ बड़ी चंगी गल है। जनाब आदम अलैहि सलाम ने एक पंजाबी दे मुहावरे दे मुताबिक फेर फरमाया, आपने फरमाया अच्छा तुसी कहंदे हो वैसे तेरा मुंह ते इंज नहीं पर की करन तेरे साईयां दा मुंह मारदा, तू साईयां दा नाम लै लिया। जनाब आदम ने कहा मेरे रब का नाम लैके कसम चुके कह रहे मैं चला जाऊंगा, बस जो आप तशरीफ लै गए अपने रब के नाम की कसम सामने रख लिया चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो कैसे तुसी नहीं जाना, तुसी चले गए हो, चलो फिर इह भी तू तुसी हुण जमीन ते तशरीफ लै क्यों तुसी जाओगे तो मेरे महबूब बनेंगे। ये जेड़े जनाब आदम के दाना ना खाते तो तेरा नाम कितों आना सी, आप इतना रोए तो मुफस्सरीन ने लिखा है श्रीलंका जो मुल्क है श्रीलंका के पहाड़ा के उत्ते आपके आंसू पहुंच गए, उन्हें देते मिर्ज़ा जेल में क्या कहा गल अकल इच नहीं आती, मैं क्या गल होएगी ते आई अरे फिर दूसरा मौजज़ा होता ही हो जड़ा अकल इच ना जड़ा अगर करामत भी होती जड़ी अकल इच ना आवे, वरना वो चार महीने का सफर है, दो महीने जान का दो महीने आन का तख्ते बिल्किस वास्ते ते 40 गज है चौड़ा है टच करके चौड़ा है, सात जंदरे ते सात दरवाजे ते सात जमीन फटी तवज्जो आपके कदमों तख्त आपके कदमों च आ गया, यह कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते, मैं क्या बाबे कर कुछ नहीं सकते तख्त बिल्किस तेरा प्यो लै गया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਖੋਤਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਲਕੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਮੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੌਸਫਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖਾਦਿਮ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ 300 ਸਾਲ ਆਪ ਰੋਏ, ਆਪ ਇਤਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਚਾਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਜੇ ਆਪਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਫਰਮਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
फता पाने फतलका आदम ने रबी कलिमा ने अल्लाह ताला ने जनाबे आदम के जहन में कुछ कलिमात इल्का की और वो कलिमात क्या थे, वो हुजूर का नाम था। तो आपने जब उसका वसीला पेश किया आपका मसला हल हो गया, ते 300 साल तो बाद भी मसला हुजूर दे नाम का हल होवे वो भी जनाबे आदम का, ते जे अब्बा जी का मसला हुजूर दे नाम दे नाल हल होना है ते हलाली पुत्र वही होएगा जेड़ा हुजूर दा वसीला पेश करेगा। खुश नसीब हो जी तुसी सारे बैठे हो, आज तुसी बैठे हो कल मेरे पड़े वास्ते कोई बैठे है, ओम शाह साहब ने दुआ करनी है, खत्म शी पढ़ा जाएगा, हुजूर दा वसीला पेश किया जाएगा, कोई एक जुबान ऐसी रहेगी रब दे दी लाज रख दे जान वाले दी बख्शिश फरमा छ जाएगी। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाजरी हो अपनी बारगाह के अंदर।